नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंतर्गत क्या ऐसे मेंबर एफपीओ की स्थापना कर सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं जिनके नाम पे कृषि भूमि नहीं है या जो भूमिहीन किसान हैं। तो देखिए, कंपनी अधिनियम में यह क्लियर उल्लेखित किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्राथमिक उत्पाद का उत्पादक है या उससे रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वह व्यक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सदस्य बन सकता है। कंपनी अधिनियम में ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि फार्मर होने के लिए उसके नाम पे एग्रीकल्चर लैंड होना आवश्यक है, परंतु जब हम एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए कि वह व्यक्ति किसान है, उसके प्रूफ के लिए खसरा या खतौनी की कॉपी लगती है और एक फार्मर सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो वह व्यक्ति जिसके नाम पे भूमि नहीं है, यदि उसके फादर के या उसके ग्रैंडफादर, दादा या पिताजी के नाम पे या माताजी के नाम पे, किसी के भी नाम पे जगह हो, तो वह अपने फार्मर सर्टिफिकेट बनवा सकता है और उसमें यह उल्लेखित करा सकता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, वह अमुक व्यक्ति के नाम पे स्थित है और उस व्यक्ति द्वारा जो एफपीओ में सदस्य बन रहा है उसके द्वारा पिछले 2, 4 या 5 वर्षों से जितने भी वर्ष से वह उस पर खेती कर रहा है, वह उस पर खेती कर रहा है। तो इस आधार पे वह व्यक्ति का जो है फार्मर सर्टिफिकेट बन जाएगा और वह व्यक्ति एफपीओ में मेंबर या डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि और कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमिहीन किसान है तो उसके लिए उसको एक प्रमाण पत्र तैयार कराना होगा। सबसे पहले एक शपथ पत्र बनवाना होगा कि वह व्यक्ति किस प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वह कृषि में इन्वॉल्व है, हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, पशुपालन में है या नर्सरी के क्षेत्र में है या अन्य कोई एक्टिविटी जो कृषि से आधारित है या प्राथमिक उत्पाद से पर आधारित है उस एक्टिविटी में वह इन्वॉल्व है। इस चीज़ का प्रमाण पत्र उसे तहसीलदार से या फिर पटवारी से या कृषि विकास अधिकारी से या ग्राम पंचायत से, इन किसी भी जो है संस्था से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसे एक प्रमाण पत्र तैयार करवाना होगा। उसके आधार पे वह व्यक्ति जो है एफपीओ का मेंबर बन सकता है या एफपीओ की स्थापना करने में वह एक प्रमोटर की भूमिका निभा सकता है। तो जब हम आरओसी को फॉर्म फाइल करते हैं तो वहाँ पे हमें यह प्रूफ दिखाना होता है, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अटैच करना होता है कि वह व्यक्ति फार्मर है, उसके नाम पे एग्रीकल्चर जगह है या वह अन्य किसी की एग्रीकल्चर खेती पे या एग्रीकल्चर लैंड पे वह कृषि का कार्य कर रहा है या कृषि से जुड़ी किसी अन्य गतिविधियों में वह संलिप्त है या उसमें कार्य करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि जो भूमिहीन किसान है या जिनके नाम पे लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वह कैसे एफपीओ में मेंबर बन सकते हैं और एक बार कंपनी जब पंजीकृत हो जाती है तो उसके बाद जो आप नए मेंबर बनाते हैं या नए मेंबर बनते हैं तो उनके किसी भी प्रकार के लैंड की प्रूफ लेने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही फॉर्मर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद सिर्फ उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में उसके आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर वह कंपनी में जो है मेंबर बन जाता है। परंतु वह व्यक्ति किसी ना किसी रूप से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है एफपीओ में सदस्य बन सकता है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। धन्यवाद दोस्तों।